नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ HP का डेस्कजेट प्लस इंक एडवांटेज 6075। तो ये प्रिंटर जो है मुझे कल ही रिसीव हुआ है। मैंने इसके ऊपर ये पैकिंग जो इसके अंदर ऑलरेडी ये पैक था, तो मैंने इसको मिट्टी ना लग जाए या डस्ट ना चली जाए प्रिंटर के अंदर, जिस वजह से प्रिंटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं और प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो भी ख़राब होने की संभावना रहती है। तो उसको देखते हुए मैंने इसको पैक करके रखा हुआ है। ये इसका बॉक्स देख लीजिए, मैंने अमेज़ॉन से इसको मंगवाया था, तो लिंक एंड ऑल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत अच्छी पैकिंग में आया है ये प्रिंटर, एंड इसको इंस्टॉल भी मुझे ऑनलाइन ही करवा दिया था HP के एग्जीक्यूटिव्स ने, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको सॉफ्टवेयर अपलोड करवाया और ऑनलाइन वीडियो कॉल पर उन्होंने सब कुछ करवा दिया था। तो ये प्रिंटर की कॉस्ट जो मुझे पड़ी है, ये मुझे 10,000 रुपये का पड़ा है अमेज़ॉन से। मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं प्रिंटर को। एक बार मैं इसकी पैकिंग को थोड़ा हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिख पाएगा। देख लीजिए, मेरा प्रिंटर अभी ऑन है एंड इसमें स्कैनर भी है। अगर आप किसी अपने पर्सनल काम के लिए इस प्रिंटर को ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, कोई इसमें शिकायत नहीं मिलेगी आपको। प्रिंटर बहुत अच्छी क्वालिटी का है और प्रिंटर के सारे फंक्शंस भी बहुत अच्छी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे इससे। मैंने इसमें से कल कुछ पेजेस प्रिंट किए थे, आप देख सकते हैं, प्रिंट पेज की क्वालिटी देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ ये पेजेस प्रिंट हुए हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं मिली इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी में। मैंने एक कलर पेज भी इसके अंदर प्रिंट किया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये थोड़ा पेज का मेरा क्वालिटी थी जो वो ठीक नहीं थी, तो उस वजह से जो ये पेपर है मुड़ गया है, लेकिन जो ये जो फ़ोटो थी ये 700 KB की थी, तो उस हिसाब से जो ये प्रिंट है, प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो इंक है वो स्प्रेड नहीं हुआ है। मतलब नॉर्मली आप देखेंगे कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो इंक होती है वो स्प्रेड होने लग जाती है प्रिंट होते ही, बट इसकी प्रिंटिंग जो भी है वो स्प्रेड नहीं हुई है और बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है, बहुत बढ़िया प्रिंटर है। अगर आप घर के लिए इस प्रिंटर को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं और इसको परचेज़ कर सकते हैं। वाईफाई के साथ ये प्रिंटर आपको मिलेगा, आप इसमें अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, और अपना लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं USB भी इसके साथ में आपको मिल जाएगी। और बाकी प्रिंटर के अंदर कोई शिकायत नहीं है, अभी तक मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने अभी इसमें प्रिंट दिए हैं काफ़ी और सारे प्रिंट मुझे एकदम अच्छी क्वालिटी के मिले हैं। तो HP में मुझे ये प्रिंटर बढ़िया लगा, इसमें स्कैन भी करके देखा था मैंने, स्कैनर ये देख सकते हैं आप, तो स्कैन में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत बढ़िया स्कैनिंग जो है इसका देता है, क्वालिटी जो स्कैनिंग की है, और स्कैन में जो पिक्सल्स आप देखोगे वो बिल्कुल ब्लर नहीं आते, या आप कहोगे कि ब्लर आते हैं या कुछ भी, तो वो बहुत बढ़िया एकदम। और आप देख सकते हैं, अगर आपको कलर के लिए प्रिंट वगैरह देना हो तो ये लेफ्ट साइड पे है, इसको आप प्रिंट इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप पेपर रखेंगे, अगर वो कलर पेपर होगा तो वो कलर फ़ोटो निकलेगी आपकी डायरेक्टली, और ये आपका है ब्लैक एंड वाइट के लिए, अगर आप ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो आपकी ब्लैक एंड वाइट कॉपी निकलेगी। तो प्रिंटर बहुत अच्छा है दोस्तों, आप इसको घर बैठे अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या आपका वर्क फ्रॉम होम अगर बिजनेस है कोई, या आपका छोटा मोटा कोई घर का काम है, आपके घर में कोई स्टूडेंट है, बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं घर से ही, तो उनके लिए बहुत ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि ये प्रिंटर फ़ोटो वगैरह बहुत अच्छी निकालता है। अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह का कलेक्शन रखने का शौक़ है, या फ़ोटोज़ वगैरह आप अपनी एल्बम खुद बनाते हैं घर में, उसको आप पूरा कलेक्ट करना चाहते हैं, और तो ये प्रिंटर आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, प्रिंटर में कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। हाँ, ये कॉस्टली ज़रूर पड़ता है आपको, इसकी ब्लैक एंड वाइट की जो आपको कॉपी होगी पर पेज आपको 2 से 4 रुपये के आसपास पड़ेगा, और इसका जो कलर प्रिंट होता है वो आपको मैक्सिमम 14 to 20 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ जाएगा पर पेज। लेकिन प्रिंटर बहुत अच्छा है दोस्तों, अभी तक किसी ने इतना लंबा रिव्यू नहीं दिया इस प्रिंटर का,
मैंने यूट्यूब पे भी कहीं जगह देखा इसको, बट मैंने इसको परचेज़ इसीलिए किया क्योंकि इसके रिव्यूज़ थोड़े बहुत मैंने 4-5 देखे थे कि वो ठीक थे, तो मैंने उसको देख के ही इसको परचेज़ किया है। और इसका रिव्यू जो मैंने अभी तक दिया है वो इतना लंबा है, और आपको कहीं इतना बड़ा रिव्यू नहीं मिलेगा इस प्रिंटर के लिए। और मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ से ओपन हो जाता है दोस्तों, ये देख लीजिए। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो उसमें आपको मैं समझा दूंगा। आपको इसके पैनल को ऊपर करना होता है, देन इसकी कांटे जो होती है वो तरीके से लगानी पड़ती है। और आप ये देख सकते हैं प्रिंटर, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली अनबॉक्सिंग में जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।